बंधुओं, श्री राम जन्मभूमि मंदिर को वास्तु शास्त्र के अनुसार भव्य बनाने के लिए, मंदिर परिसर की संपूर्ण सुरक्षा के लिए और तीर्थयात्रियों को अधिकाधिक सुविधा प्रदान करने के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र काम कर रहा है। मंदिर के पश्चिमी कोने पर परकोटा और रिटेनिंग वॉल है। इसी प्रकार पूर्वी कोने पर परकोटा है। परकोटा और रिटेनिंग वॉल की सीमाओं में कुछ मंदिर और गृहस्थों के मकान आ रहे हैं, इसी कारण इनको क्रय किया जा रहा है। लेकिन तीर्थ क्षेत्र का निर्णय है कि जिनको खरीदा जाएगा, ऐसे सब व्यक्तियों को स्थानों को पुनर्वासित भी किया जाएगा। पुनर्वास करने के लिए भी उन्हीं की सहमति और पसंद की जमीन को हम खरीदेंगे और संबंधित संस्थानों और व्यक्तियों को प्रदान करेंगे। इसी उद्देश्य से अयोध्या में रेलवे स्टेशन और सड़क के मार्ग पर बड़ी प्राइम लोकेशन पर बाग विजयसी नाम के क्षेत्र में 1.20 हेक्टेयर भूमि का हमने चयन किया। इस भूमि पर 2011, 2017 और 2019 में भी अनेक प्रकार के अनुबंध हुए, भिन्न भिन्न पक्षों में हुए, परंतु वो कभी मैच्योर नहीं हो पाए। हमने इस पूरे केस को स्टडी किया और ये भूमि जितना क्षेत्रफल है उसकी तुलना में इस भूमि का मूल्य 1423 रुपया प्रति स्क्वायर फीट है, जो मार्केट वैल्यू से बहुत थोड़ा है। निर्णय कर लिया गया, लेकिन पहले 2011, 2017, 2019 के प्राचीन अनुबंधों को समाप्त करके मालिकाना हक का निर्णय करना बहुत जरूरी था, वह कराया गया। मालिकाना हक का निर्णय होते ही हमने तनिक भी देरी नहीं की, तत्काल तत्परता और पारदर्शिता के साथ संपूर्ण भूमि का एग्रीमेंट करा लिया। अभी बैनामा कराया जाना बाकी है। हमारा स्थायी निर्णय है कि सभी प्रकार का ट्रांजैक्शन बैंक टू बैंक होगा, ऑनलाइन होगा और सरकार के किसी टैक्स में कोई कटौती, कोई चोरी नहीं करने देंगे। इन दोनों निर्णयों का हमने पालन किया है। दुर्भाग्यपूर्ण यह है, आरोप लगाने वाले व्यक्तियों ने आरोप लगाने के पहले ट्रस्ट के पदाधिकारियों से किसी प्रकार की कोई संपर्क करके तथ्यों की जानकारी नहीं ली और बोल दिया। समाज को उन्होंने भ्रमित किया है, गुमराह किया है। समाज बंधुओं से मेरा निवेदन है कि हम किसी प्रकार भ्रमित ना हो, आत्मविश्वास बनाए रखें और मंदिर को अच्छे से अच्छा बनाने में, समय सीमा के अंदर निर्विघ्न रूप से पूर्ण करने में सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। जय श्री राम।